एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि एक लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कितने होल हैं। खासकर वो लड़कों को जानना बहुत ज़रूरी है जिनका अभी अभी मैरिज हुआ है और वो अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनका उनके प्राइवेट पार्ट में उनके जो फीमेल पार्टनर है, होने वाली है, उनके प्राइवेट पार्ट में कितने होल होते हैं, किस होल में उन्हें अपने लिंग को प्रवेश करना है और सेक्स लाइफ को एंजॉय करना है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं ना, उनको भी नहीं मालूम होता है और वो ये सब के बारे में सोचती भी नहीं है कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं, नहीं मालूम होता है उनको भी। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको नहीं मालूम है कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में कितने होल होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है उनका जो कितना हॉल है, लिंग को किस में प्रवेश करें ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। और लड़कियों को भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप से योनि होती है, जो वेजाइना का पूरा होल होता है, प्राइवेट पार्ट जो होता है लड़कियों का, इस टाइप से होता है। सबसे ऊपर यहाँ पे मटर के दाने जैसा क्लिट होता है जो कि बहुत ही पूरे प्राइवेट पार्ट का सबसे सेंसिटिव अंग है और सबसे केंद्र बिंदु यही है। यहीं से एक लड़की को प्लेजर फील होता है, ये है। दूसरा है वहीं उसके नीचे, जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसका काम होता है यूरिन पास करना। इससे बस एक ही काम होता है कि यहाँ से जो लड़की है वो यूरिन पास करती है। और उसके नीचे यहाँ पे बीच में वेजाइना होता है, वेजाइना का छेद होता है। यहीं से एक लड़की उसका पीरियड होता है, इंटरकोर्स यहीं से करती है, सेक्स लाइफ को यहीं से इंजॉय करती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एक बच्चे को पैदा भी यहीं से करती है। तो ये दूसरा छेद है। तीसरा छेद आ जाएंगे जस्ट पीछे में जो कि है एनल। एनल से एक लड़की या एक लड़का, वो सभी के पास होता है। इससे इंसान वेस्ट मटेरियल जो होता है, शरीर का जो वेस्ट पदार्थ होता है, मल त्याग करने का रास्ता होता है। तो लड़कियों के पूरे प्राइवेट पार्ट में तीन होल होते हैं और ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर देना कि कितने होल होते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं लोग, कोई बोलता है चार होल होते हैं, कोई बोलता है एक ही होल होता है। तो लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें केवल तीन होल होते हैं और तीनों का काम जो है वो हमने बता दिया है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, आईडी को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत करना। ओके, बाय।